मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य से 10 तेंदुए को पकड़कर खंडवा जिले के प्रस्तावित ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में छोड़ा गया है। यह कदम कूनो राष्ट्रीय उद्यान के चीतों को स्थानांतरित करने का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है। श्योपुर जिले के कूनो से शिकारियों की स्थानांतरित करने का मुख्य उद्देश्य चीतों के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करना है, जिन्हें वन विभाग प्रोजेक्ट चीता के तहत गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। उज्जैन के वन संरक्षक एम आर बघेल ने बताया कि गांधी सागर अभयारण्य में लगभग 20 से 22 तेंदुओं की गिनती की गई थी, जिसमें 10 तेंदुओं को पकड़कर खंडवा में छोड़ दिया गया है। यह कार्रवाई विशेषज्ञों की कड़ी निगरानी में की जा रही है। गांधी सागर अभयारण्य 382 वर्ग किमी में फैला हुआ है। पिछले साल यहाँ चीतों को 64 वर्ग किमी के विशेष रूप से डिजाइन किए गए बाड़ वाले क्षेत्र में स्थानांतरित करने की तैयारी चल रही है। डीएफओ संजय राय खेड़े ने बताया कि चीतों के लिए तैयार किए गए बाड़े के बाहर करीब 120 तेंदुए देखे गए हैं। इन शिकारियों को बाहर रखने के लिए लगभग 10 फीट ऊंची बाड़ तैयार की गई है। बघेल ने कहा कि केंद्र की एक टीम और केन्या के विशेषज्ञों ने हाल ही में गांधी सागर अभयारण्य का दौरा किया था और चीतों की सुविधा के लिए बुनियादी नियम बनाए थे। उन्होंने कहा, हम चीतों के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर अभयारण्य का दौरा किया था और चीतों की सुविधा के लिए बुनियादी नियम बनाए थे। उन्होंने कहा, हम चीतों के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर में 121 चित्तीदार हिरण भी लाए हैं।